वरदान ये कही मांगा है मैंने श्याम से, वरदान ये कही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी हमारी। हेलो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आरिश्मिता फैस्टी ब्लॉग। तो बताइए कैसे हैं सब, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को हम ये बता दें कि आज 3 मार्च को मेरी एनिवर्सरी होती है, होती थी या होगी या है, आई डोंट नो बट है। तो ये वीडियो उसी के उपलक्ष्य में है। और चाय बनाने से पहले हम सब्जी बनाए थे, लेकिन हम चाय से शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का ना, इसलिए चाय के क्लिप को हम पहले ऐड किए हैं। तो चाय बन करके रेडी हो गई है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे साथ मेरे घर पे मॉर्निंग टी पर। चाय पीकर बताइए चाय कैसी बनी है। चाय बहुत अच्छी बनी है, हम बनाते भी बहुत अच्छी हैं। अब हम बना रहे हैं सब्जी, यानी पहले हम बनाए थे सब्जी। तो सब्जी हम आलू गोभी की बना रहे हैं। आलू अरे गोभी को खूब अच्छे से धो करके काट करके और इसको थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसे रख दे हैं ताकि इसका पानी जो है वो सब निकल जाए, फिर भी बहुत ज़्यादा तेल में छिटक रहा था। और इसे हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं, कम ऑयल में इसे भून लेंगे थोड़ा सा। और इसी में हम साथ में आलू भी भून लेंगे, आलू गोभी की सब्जी है तो आलू भी फ्राई कर लेंगे, गोभी भी फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी में फिर से हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, एक तेजपत्ता, थोड़ी सी पंचफोरन, मतलब मेरी क्वांटिटी सब्जी की तो बहुत कम होती है ना, इसलिए एक कटा प्याज का तड़का और ये जो है लहसुन मिर्चा अदरक प्याज का पेस्ट है, इसको इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसे भी भून लेंगे। इसमें थोड़ी सी गरम मसाला, गरम मसाला सब्जी मसाला सब हम एक साथ ही घर में बनाए हैं, उसका भी वीडियो मुझे बनाना है, तो वही हम घर का ही मसाला यूज करते हैं। थोड़ी सी हल्दी इसी मसाले में ऐड कर देंगे ताकि सब एक साथ भुन जाएगा। और ये लाल पीसी मिर्ची पाउडर है। जो हरा मिर्चा आता है ना, तो वो कभी कभी लाल हो जाता है, पक जाता है, तो उसी को हम सुखा लेते हैं और उसी को मिक्सी में पीस करके उसका पाउडर बना लेते हैं। और इसमें कटा हुआ टमाटर, इस तरह से ग्रेवी बहुत अच्छी से तैयार हो जाती है, गाढ़ी ग्रेवी तैयार होती है। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, नमक से टमाटर गल जाएगा। और सब्जी तो ऑलरेडी हम फ्राई करके रख चुके हैं, इसलिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। इसी में हम ऐड कर देंगे फ्राई की हुई सब्जी। सब्जी हम पहले बनाए थे ना, क्योंकि मेरे बच्चे को जाना होता है ना, तो सब्जी बना दिए और उसके लिए पूरी बना दिए थे, वो खाकर चला गया था। फिर हम नहा के और ये थोड़ा सा पानी गर्म करके इसी भूनते वक्त ही हम मिला देंगे ताकि मसाला और सब्जी एक साथ मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। तो उसके बाद नहा करके फिर हम चाय बनाएं और आगे का जो खाना इसमें है वो बाद में बनाएं। पर सब्जी तो अलग अलग नहीं बनाया जा सकता, इसलिए सब्जी पूरी ही बनाएं। और ये है ग्रेवी के अनुसार मुझे इसमें पानी ऐड करना है और पानी गर्म है, इसमें जितना भी पानी हम ऐड किए हैं गर्म पानी है। जब सब्जी फ्राई है और मसाला फ्राई है तो पानी ठंडा नहीं ऐड करना चाहिए, गर्म ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सब्जी पक चुकी है, कटी हुई खूब ढेर सारी धनिया की पत्ती, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, सब्जी बन करके रेडी हो गई है। अब हम बना रहे हैं चने की दाल की पूरी। इसकी रेसिपी ज़्यादा शेयर नहीं किए हैं क्योंकि इसकी रेसिपी हम कई बार शेयर कर चुके हैं, पर हम क्या बना रहे हैं ये मुझे दिखाना। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर लिए हैं, इसमें थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी हींग और सूखी मिर्ची का तड़का दे करके इसी में हम दाल को फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके इसे हम पका लेंगे बहुत कम वाटर में, क्योंकि कुकर में बनाने तो जल्दी से पक जाएगा। और ये हम बनाए थे सेवई, सेवई को भून करके दूध में पका ले रहे हैं और
इस दूसरी वाली कढ़ाई में ड्राई फ्रूट्स है उसे भी फ्राई करके हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो उसे में की भी रेसिपी शेयर की है, फिर कभी शेयर करेंगे। डेली ब्लॉगिंग है तो कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है। आज नहीं ज़्यादा शेयर करें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और अब हम जो चना का दाल पकाए ना उसे हम पीस लिए, पीसने के बाद उसका बैटर तैयार कर लिए और अब हम भर करके उसकी पूरी बनाएंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं, क्योंकि हर लड़की के लाइफ में ये डे जो होता है, ये दिन जो होता है बहुत ही स्पेशल होता है। मैं मानती हूं कि जो भी हुआ पता नहीं, लेकिन मैं तो हूं ना, हम जिंदा हैं और हम हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं। अगर हम उनको नहीं भूल सकते तो हम इसे भी नहीं भूल सकते। इसलिए मेरे समझ में जो आया, बहुत दिमाग और दिल की बहुत लड़ाई हुई, बहुत जद्दोजहद हुई काफ़ी, और रोना तो इतना हुआ। मुझे जो समझ में आया वो हम किए, सही है या गलत है हम नहीं जानते कि सही है या गलत है। खाना तो खाना ही था, कुछ तो खाते ही, दाल चावल बनाकर खाते या रोटी सब्जी बनाकर खाते, खा तो हम रहे ही हैं, बिना खाए तो है नहीं, तो हम ये कर लिए। और दूसरी बात, हम चाहते तो हम इसे छिपा भी सकते थे, पर हम नहीं छिपाए क्योंकि हम कोई चोरी नहीं किए हैं और ये मेरा काम है, इस काम को मुझे करना है, पहली बात। दूसरी बात कि मेरा ब्लॉगिंग है, तो ब्लॉगिंग का मतलब ही होता है कि मैं खुद की लाइफ दिखा रही हूँ। 100% तो नहीं दिखा सकते पर 40% दिखा सकते हैं, और 40% मुझे दिखाना है रियल लाइफ। तो और मुझे नहीं लगता कि हम कोई गलती किए हैं। 3 मार्च मेरी लाइफ का स्पेशल डे है और हमेशा रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। और सभी बड़ों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हम सही किए या गलत किए। वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं किए, कर ही कह सकते हैं, लेकिन खाना अच्छा सा बना लिए थोड़ा सा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत भारी बीता था कल का दिन, बहुत ज़्यादा, यानी 3 मार्च का। ये वीडियो आज हम सुबह कर रहे हैं, 5 बजे भोर में, सुबह 4 तारीख को सुबह भोर में कर रहे हैं वॉइस ओवर। वीडियो तो रेडी था पर वॉइस ओवर कर न सके हम, और रोटी भी बना रहे हैं, केवल पूरी कोई नहीं खाता क्या, जो भी खाना बन करके रेडी हो गया है आप लोग भी खा लीजिए। दाल की पूड़ी, सेवई, आलू गोभी की सब्जी, रोटी, चावल आप लोग भी खा लीजिए, ये आप लोगों के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। थैंक यू।